नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद जो घोषणा की थी कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, उसको लेकर आज सितारगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज क्षेत्र के लगभग 300 किसानों को चेक बांटे हैं। आज क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा अपने आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत लगभग 300 किसानों को 1 लाख तथा 3 लाख तक के चेक बांटे हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता चरण सिंह सरारी के साथ। धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार की सरकार को, जो हमें बिना ब्याज के जो है चेक वितरण किया है। बहुत बधाई हो उनको, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे उत्तराखंड सरकार ने जो प्रण लिया था 2017 में चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विपणन योजना के अंतर्गत 300 350 किसानों को, आज सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के किसानों को, हमने लघु और सीमांत के किसानों को 1 लाख और 3 लाख रुपए के चेक बांटे हैं, जो कि जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा और 3 साल तक पैसा उनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल बाद पैसा लौटाना पड़ेगा। हम सबकी एक ही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे काश्तकार भाई हैं, तो इस लोन से कहीं ना कहीं अपने आप का अपना किसानी में उनको फ़ायदा मिलेगा, अपनी आय दोगुनी करने का उनको एक जरिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धन सिंह रावत जी का, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जो किसान के बारे में सोचा उसको सिर्फ धरातल योजना को सिर्फ कागज़ों में नहीं उतारा, धरातल पर उतार के लोगों को उसका लाभ देने तक का उन्होंने पूरा कोशिश करी और आज हमने उसके प्रदेश से चेक्स बांटा।